सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने फर्जी आधार और पैन कार्ड जारी करने वाले एक केंद्र का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने 42 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कार्ड बनाने में शामिल था। उस व्यक्ति की पहचान अरुकेश कुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर ये कार्ड बनाए थे। छापे के दौरान पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर जब्त किया है, जिसमें 30 आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड शामिल थे। पुलिस ने कहा कि ये गिरोह एक आधार कार्ड का 1100 रुपये लेता था और पैन कार्ड के लिए 500। पुलिस की टीम को जानकारी मिली थी कि गोरेगांव में इस तरह का काम हो रहा है। डीसीपी अजय कुमार बंसल के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ निरीक्षक दत्तात्रेय ठोपते के देखरेख में एक टीम बनाई गई और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और अब आगे की जांच जारी है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन के ATC ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्रेमनगर एरिया गोरेगांव में वहाँ पे एक किस्म फर्जी आधार कार्ड बना के देता है, लोगों को विदाउट डॉक्यूमेंट लेके आधार कार्ड बना। उसके अपने छानबीन की एक डमी कस्टमर भेज के तो वहाँ पे सचमुच में मिल गया। हमने सर्च किया उधर रेड करके, तो उसमें हमको 30 आधार कार्ड्स मिले, जिसमें से एक ही नाम के 6-6, 7-7 कार्ड है, 4-4 कार्ड है, उसके ऊपर एक के ऊपर ही फोटो, बाकी के विदाउट फोटो के। तो उसमें 2 कार्ड ऐसे मिले आधार कार्ड, उसमें एक ही नाम एक ही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन फ़ोटो 2 डिफरेंट आदमी का है। इसका मतलब 2 आदमी के लिए उसने एक ही नाम यूज़ करके अलग अलग आधार कार्ड बनाया। वैसे उसने पैन कार्ड भी हमको मिला, 7 पैन कार्ड उधर मिला। पैन कार्ड के ऊपर भी एड्रेस है, वो एकदम एग्जिस्टिंग एड्रेस नहीं है, और हर एक के ऊपर इसका मोबाइल, खुद आरोपी जो अटक किया है उसका मोबाइल नंबर उसके ऊपर एग्जिस्टिंग है। अभी कितना बना के दिया अभी तक, उसका छानबीन चालू है, अभी उसमें कुछ रिवील हुआ नहीं अभी तक। लेकिन इसने अभी जो बनाया वो 30 आधार कार्ड हमको मिला है, उसमें से फर्जी आधार कार्ड का ही मैक्सिमम है, उसमें एक के नाम पे 6-6, 7-7 है और फोटो नहीं उसके ऊपर। ये दूसरा आदमी को उसके ऊपर फोटो लगा के बेचता है सबको, और एक के पीछे 1100 रुपये का चार्ज लगाता है। तो बनाता फर्जी और उसके ऊपर ये आधार कार्ड यूज़ करके उसके ऊपर से पैन कार्ड मंगाता है, तो पैन कार्ड के हिसाब से उसका आइडेंटिटी यहाँ पर इंडियन हो जाता है। अभी ये इंडियन है नहीं उसका भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जिसके नाम पर बनाया है। कुमार श्याम नारायण मिश्रा, 42 ईयर्स का है ये, प्रेमनगर में ही रहता है। कि छानबीन चल रहा है अभी तक, वो जिसका बनाया है वो लोग अभी तक सामने आए नहीं हुए, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। वो आते ही अपने को आगे का सब मालूम हो जाएगा एक्चुअली इसमें क्या है। हमारा वो एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। कितने हम लोगों ने उसका कंप्यूटर प्रिंटर जो आधार कार्ड्स बनाने का रफ मटेरियल है वो भी सब जमा कर लिया है।